देखने को मिली है। अब इस मार्केट को कैसे पढ़ा जाए और यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा हमारे साथ हैं। मिहिर, आफ्टरनून। सुबह के सामने ये दोपहर वाला सत्र बहुत तगड़ा लग रहा है, इसीलिए शायद वीरू जो बीच में घर गए थे वो क्लोजिंग के लिए आ गए। आपकी अप्रोच इस मार्केट पर क्या रहेगी? बिकॉज आई एम गेसिंग ये इलेक्शंस तक ट्रेंड तेजी का रहेगा लेकिन वॉलिटिलिटी भी रहेगी, तो अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, किस तरह के ट्रेड्स, किस तरह की अप्रोच रखी जाए? नमस्कार। मैं तो एक मीटिंग में बैठा था एक घंटे से, और जब मीटिंग के पहले मैंने मार्केट को देखा था, कुछ अलग सेंटिमेंट था, और जैसे आप कह रहे हैं अब मैं स्क्रीन को देख रहा हूं तो कुछ अलग ही मार्केट लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन है न सिर्फ इंडिया में है, ग्लोबली भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि एक एक यो खास करके यूएस में जिस तरह से बॉन्ड मार्केट्स मूव कर रही हैं, एक दिन ये कहते हैं कि एक रिसेशन आ रही है, स्लोडाउन है, और दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं नहीं बॉन्ड बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन की कंसर्न बहुत ज्यादा है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है मैक्रो लेवल की यूएस में खास करके और डेवलप्ड मार्केट्स में, वो वॉलेटिलिटी थोड़ी थोड़ी हद तक हमारे यहाँ भी दिख रही है। सो मेरे ख्याल से इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हमारी जो लॉन्ग टर्म थीम्स और स्टॉक्स में जो श्रद्धा है, जो बेट्स लिए हुए हैं, जो कन्विक्शन है, उसी को होल्ड करके रखे। ट्रेडिंग और मैक्रो कॉल लेने के लिए काफी डिफिकल्ट मार्केट है। लेकिन मेरे जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। सर, ये मोर और लेस आई मीन HDFC बैंक का जो इस बार का इंसिडेंट हुआ और जो प्राइस डैमेज हुआ अगेंस्ट नंबर्स, आपको लग रहा था कि वो थोड़ा अब वो मैच्योर हो चुका है, वो स्क्रीन पे प्ले आउट हो चुका है, और एक जो डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ PSU बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स स्पेशली इन अर्निंग सीजन में, अब उसको प्ले करने का वक्त है थ्रू प्राइवेट बैंक्स आपके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से प्राइस डिफरेंशियल्स पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो कम हुए हैं, जो गैप कम हुआ है जैसे आपने कहा, और प्लस बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल एक्चुअली देखें तो अंडर परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट करीबन 1.5 साल से। तो ये अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे अरसे तक रहा है, 1.5-2 साल हो गए कि निफ्टी से कम परफॉर्मेंस दी है फाइनेंशियल और बैंकिंग इंडेक्स ने। तो ये मेरे ख्याल से कैचअप करने का स्कोप दिखा रहा है, क्योंकि अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है मार्केट पे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है फाइनेंशियल्स वो बाकी मार्केट को बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते रहे, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। यस, थोड़े मार्जिन में इश्यूज थे और थोड़ी सी शायद क्रेडिट ग्रोथ RBI मॉडरेट करने का ट्राई कर रही है, कम करने का ट्राई कर रही है, बट वो मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर इन जनरल आफ्टर दिस नो काफी लंबे अरसे के अंडर परफॉर्मेंस के बाद कैचअप करने का स्कोप दिखाती है। ओके, अच्छा सर, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस वक्त एक स्टॉक आज भी जो करीब करीब 8% ऊपर है, ABB, कल करीब करीब 11% ऊपर था अर्निंग्स के बाद। अच्छा, सिर्फ अगर आप नंबर्स को देखें, जस्ट फॉरगेट आई मीन प्राइस एक्शन को भूल जाते हैं, जिस प्रकार की मेहर जी इस बार L&T ने अपने नंबर्स रिपोर्ट किए, इन सभी कंपनियों में जितनी अब जिस परसेंटेज हाइक से इनकी ऑर्डर बुक बड़ी है, आपको लगता है कि अभी प्राइस टारगेट्स आपको फिर रिवाइज करने पड़ेंगे ABB जैसे, L&T जैसे, और सिमेंस और कमिंस जैसे स्टॉक के, और आपका कन्विक्शन कैपिटल को स्पेस वक्त? बिल्कुल, तो हमारा तो सबसे बड़ा कॉल तो यही है कि इंडिया की GDP नेक्स्ट 5-10 साल के लिए अगर 7% प्लस पे ग्रो करनी है तो ये फिजिकल एसेट क्रिएशन के बिना नहीं होगी, चाहे वो रियल एस्टेट में फिजिकल एसेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल एसेट हो, डिफेंस, रेलवे, और या तो फिर फैक्ट्रीज एंड प्लांट एंड बिल्डिंग और यू नो रोड्स में हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फिजिकल एसेट क्रिएशन है इंफ्रा, रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग का, ये एक मल्टी ईयर थीम बन रहा है, और उसमें जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया कि ऑर्डर बुक से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर बुक से हमें फ्यूचर की विजिबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे ऑर्डर बुक ऐड होती जाती है हमारी जो ग्रोथ कन्विक्शन है वो ज्यादा बढ़ती रहती है। तो हमने बहुत बार देखा है कि जैसे अर्निंग्स के एस्टिमेट्स बढ़ते हैं उसके साथ वैल्यूएशन भी बढ़ती है, उसका मेन रीजन यही है कि
जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो फ्यूचर में कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आज अपने 100 रुपए एस्टिमेट किया था प्रॉफिट बनाएगी कंपनी, लेकिन हम अब हम लगता है कि FY26 में जो 100 रुपए बनने वाला था शायद 110 बनेगा, विच मीन्स दैट जो हमने एस्टिमेट किया था उससे फ्यूचर बेटर है। तो ये रीरेटिंग और अर्निंग्स एक साथ, पी और अर्निंग्स एक साथ चलते हैं, मेरे ख्याल से ये एक सेक्युलर ट्रेंड है कैपिटल गुड्स का, वो चलता रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो ये सेक्युलर ट्रेंड कैपिटल गुड्स का चलता रहेगा, और ऑफकोर्स हमने देखा है डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उसी को कैटर करेंगी कंपनियां, तो वो भी काफ़ी रहेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि जब ग्लोबल रिवाइवल आए तो वहाँ पर भी बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, GMDC के लिए एक अपडेट आ रहा है कि FY25 के लिए 3,041 करोड़ का कैपेक्स को मंजूरी मिल गई है। स्टॉक दिखाइएगा GMDC का, 4.25% ऊपर। और जब से अडिया साहब दरअसल इस कंपनी के एडवाइज़र बने हैं, हमने देखा है बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक परफॉर्मर है, GMDC से बात छिड़ी है तो इनफैक्ट मिहिर, ये PSU कंपनियों में अब पोजिशनिंग क्या होगी? एक तो ये स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ है GMDC जैसी, जहाँ पर ऑफकोर्स हमने देखा है अच्छे मूव्स और अच्छे रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं, और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड जहाँ पर एक तरफा तेज़ी बनती दिखाई दी है। इन लेवल्स पर भी क्या आप नई पोजीशन लेंगे, स्पेशली जहाँ पर कई फंड हाउसेस स्पेसिफिकली इस समय खासतौर से वो PSU ETF या PSU स्पेसिफिक फंड्स लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, PSU का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास कोल माइनिंग कंपनीज हैं, मेटल्स की कंपनीज हैं, दूसरी तरफ हमारे पास फाइनेंशियल कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज है, रेलवे कंपनीज है, तो उसका स्कोप बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसमें जो फंडामेंटल्स है वो काफी अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल प्रोड्यूशन कंपनीज है, तो ये सब सेक्टर्स जो है वो काफी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, तो सारे पैक को एक तरह से व्यू देना या तो एक व्यू देना या तो एक तरह से उसको एनालाइज करना, मैं ये लॉजिकल नहीं समझता हूं। हम सेक्टर बाय सेक्टर देखें, स्टॉक बाय स्टॉक देखें तो बेटर रहेगा। विद इन दैट मुझे लग रहा है कि जो PSU बैंक्स है उसमें जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन थी वो मेरे ख्याल से अब कैचअप हो गई है, अब इनके रिटर्न्स मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इनलाइन आने चाहिए, और व्यू तो वैसे पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर पे। डिफेंस वाली जो PSU कंपनी है उसमें मुझे लगता है रनवे बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट 3 से 10 साल तक रनवे इसमें है, तो उनकी फंडामेंटल्स अलग है। कैपिटल गुड्स वगैरह की जो कंपनी है उसमें भी काफी अच्छा रनवे है। जो एक बंच है, मैं लगता है उसमें कोई सेक्टर में नहीं कहूंगा, लेकिन एक बंच है जहां पे जो साइज इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फ्री फ्लोट कम है, और उसमें मेरे ख्याल से काफी स्पेकुलेटिव फ्रेंजी बिल्डअप हो रही है, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा एक वैल्यूएशन का बहुत डेंजर जोन में जा रहा है, तो उस तरह की कंपनीज को मैं एक्चुअली अवॉइड करूंगा। तो ये स्टॉक बाय स्टॉक, सेक्टर बाय सेक्टर देखे और वैल्यूएशन को ध्यान में रख के चलना चाहिए। ओके, मेरी जी आपसे बात करते करते एक स्टॉक ने कमाल कर दिया, दैट्स M&M। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लिखाइएगा कहाँ पे बात की थी हमने, 1880-85 पे 1915 ऑल टाइम हाई, क्या भागा है स्क्रीन पे, वो कॉल लेके आएंगे स्क्रीन पे जरा प्लीज़, कितने की हो गई वो थी 1900 की, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल थी, अब वो इन द मनी हो गई है, 3500 रुपये हो गई स्क्रीन पे। ये क्लोजिंग ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छी रही ट्रेडिंग, और वो देखिए निफ्टी कहाँ आ गया, ऑलमोस्ट 22,120 से बात हुई थी 22,200 हो गया 208, एंड दैट्स ओनली आई थिंक रिलायंस और ITC जिन्होंने जौहर दिखाया, पूरा बाजार एक तरफ और रिलायंस और ये ITC का जौहर था, और एक M&M का भी। सर ये ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, और हमने जो डिलीवर करते हुए देखा इन तीन स्टॉक्स को, टाटा मोटर्स को, M&M को और आई थिंक मारुति को, मतलब हमारे तीनों कंपनियाँ इस वक्त शानदार तरीके से डिलीवर करते हुए, सेकुलर मूव है, यही सेकुलर मूव हमने ऑटो में भी देखा था, मतलब टू व्हीलर स्पेस में, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स में। अभी यहाँ से और कितने अपसाइड की एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट 4-5 साल के स्लो फेज से गुजर रहा था, और अब जो कैचअप हो रहा है मेरे ख्याल से मोमेंटम अब 1 साल से जो चला है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल और आराम से चल सकता है, तो जो पॉजिटिव सरप्राइजेस आ रहे हैं वो शायद कंटिन्यू रहे। और वैसे तो कार्स में मैं कहूंगा मॉडल बाय मॉडल चलती है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी जो हमारी वन ऑफ द मल्टीनेशनल्स है जो लिस्टेड नहीं है उसकी लिस्टिंग की भी बात हो रही है, IPO की बात हो रही है,
तो उससे भी एक एक इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सेक्टर में बढ़ेगा और सेक्टर का वेट भी शायद इंडेक्स में बढ़ सकता है मार्केट में, क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनीज की लिस्टिंग होने वाली। तो मेरे ख्याल से डिमांड जो कंडीशन है वो ग्रेजुअली इंप्रूविंग है और इंप्रूविंग इन अ सस्टेनेबल वे है मुझे लग रहा है। और प्लस जो यू नो जो पेंट अप डिमांड थी जो वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हमने ये साल देखी है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ी सी टेलविंड भी है, तो ये सेक्टर अभी भी नेक्स्ट 1 से 2 साल तक रिटर्न्स दे सकता है। जी मैं समझती हूँ कि आप एक लिस्टेड एंटिटी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अनलिस्टेड एंटिटी जो शायद मार्केट में आएगी उसका तो नाम ले सकते थे, आप कैसे ह्युंडई की बात कर रहे हैं। जोक्स अपार्ट, टेक्नोलॉजी एक थीम है जहां पर आज हमने देखा है फिर से जान में जान आई है। एंड मैं स्पेसिफिक टू एनविडिया आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर वो बड़ा चिप का, वो बड़ा एआई का प्ले देखने को मिला है। अब अगर उस कंपनी के बिजनेस में इतनी ग्रोथ है, जो भारत में एआई को लेकर मिड कैप कंपनियां अपनी पोजिशनिंग मजबूत कर चुकी हैं, और अब जो दिग्गज प्लेयर्स भी उस बिजनेस को और फोकस में रखेंगे, यहां पर क्या उसी तरह के रिटर्न्स बन सकते हैं? देखिए एआई का इंपैक्ट कौन सी कंपनी पे कितना आएगा वो सर्विसेज कंपनी खास करके, क्योंकि हमारी सारी कंपनीज जो है आईटी की वो सर्विसेज कंपनीज हैं, तो इसका इंपैक्ट यू नो एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो अपॉर्चुनिटी है कि जब एआई के मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं तो उसके लिए काफी सारा काम बढ़ेगा, बट ये नॉर्मल आईटी सर्विसेज वाला काम नहीं होगा, ये शायद एक बीपीओ टाइप का काम हो, केपीओ टाइप का काम हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स की जरूरत कम पड़ जाए, क्योंकि एआई से भी काफी सारा कोड लिख सकते हैं आजकल, तो लॉन्ग टर्म में शायद एक डैमेज भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो मैं इसको स्टॉक बाय स्टॉक लेके चलूंगा, एक सेक्टर व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।